कहाँ कह रहा बाबू मैं, तुम बताओ फिर दे वो पैसा। ठीक तो यहाँ जाना है, यहाँ सामने में दिन नई सुबह नए उमंग और नए ब्लॉग के साथ हम अचानक सिहावा की वादियों का सैर करवाते हैं, तो चलो। फाइनली बहुत करीब करीब 10-15 किलोमीटर चलने के गाड़ी में चलने के बाद एक गांव मिला है। कौन सा गांव है मैं दिखाता हूँ, पढ़ के बताऊंगा आप लोग को। ये देखो बही गांव, नहीं बही गांव पहुँच गए हैं। हाँ वही गाँव है, वही गाँव पहुँच गए हैं। यहाँ का घर देखो, पूरा छत्तीसगढ़ का घर अक्सर ऐसी होता है। तो सामने तरफ भयंकर बारिश हो रहा है गाइस। पे क्या बोलते हैं, तो बकरी चराने के लिए इधर के लोग जंगलों में ले जाते हैं। खास तौर से पूछते हैं इन लोग को, रास्ता पूछ। सिहावा कौन सा रोड है सिहावा? अच्छा सामने हम लोग को पता था, फिर भी हम लोग पूछे सिहावा कौन सा रोड है बोल के। मेरे पास ट्रैफिक जाम है बहुत ही ज़्यादा, दिखा रहा हूँ मैं ट्रैफिक जाम। ये देखो वाह भाई भाई भाई, ये गाय बहन वगैरह ट्रैफिक जाम है यहाँ पर, पूरे रोड पे ट्रैफिक जाम। पूरी लंबी कतार में गाइस, वाह बेहतरीन। छत्ता पकड़ के चलती है, देखो लगातार है पूरा करीब करीब कितना दूर तक है अब तक पता नहीं, बट ट्रैफिक जाम बहुत लंबा। भाई 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 वहाँ बहुत दूर तक है। अब बारिश भी हो रहा, ऊपर से बारिश में भीगते हुए हम लोग वीडियो बना रहे हैं भाई। तक ये कर रहे थे सब्सक्राइब तो बनता, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप, बहुत ही लंबा। भाई 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 अरे सबका हेड इधर, वो देख रहे हो जगह, वहाँ जाना है गाइस। तो अभी पूरा बारिश हो रहा है इधर आसपास, पूरा गाड़ी लोग हैं इधर से यहाँ तक, इधर इतना भीग गया गाइस, इसके कारण बोल भी नहीं पा रहा हूँ मैं ढंग से। लेकिन आप देख सकते हो नज़ारा, इधर से पूरा गाड़ी वाड़ी आ रहा है, यहाँ से इधर से हम लोग इधर से आए गाइस, इधर गाड़ी वाड़ी से। और अभी हम लोग को यहाँ जाना है, यहाँ सामने में। फाइनली गाइस हम सिहावा पहुँच चुके हैं। कैमरा क्वालिटी बहुत खराब है लेकिन फाइनली गाँव पे पहुँच गए। यहाँ से जा रहे हैं हम लोग फाइनल 2 घंटे के बाद। इधर से हम लोग जा रहे हैं गाइस, पूरा भीड़ माहौल है दिखाया हुआ है, चेक करें गाइस। लेकिन हम लोग क्या करें, फाइनल पहुंच गए हैं यहाँ से करीबन 2 घंटे। तो अभी हम आए हैं सिहावा की गुफाओं में, जंगलों में। तो आप देख सकते हैं हमारे चारों तरफ पहाड़ी पहाड़ी है। मेरे साथ है विद्या,
आप ये देख रहे हो गुफा बहुत अंदर तक जाता है कम से कम। तुम गाइस ये माता रानी का उद्गम है, आप देख सकते हो ये गुफा है, लगभग 1300 सदी का गुफा है। इधर से आप देख सकते हो बड़े बड़े चट्टान, भाई साहब देख के कितना डर लग रहा है। ये गुफा है, मेरे साथ है ये विद्या, काफ़ी डर भी लग रहा है कि ये गुफा है माता रानी का। इस तो यहाँ माता रानी का वास है, आप देख सकते हैं माता रानी। तो हम लोग माता रानी के दर्शन करके जस्ट घर की ओर लौट रहे थे, तभी बहुत बारिश हुई और शाम भी हो गई थी, तो हम लोग पूरा दर्शन नहीं कर पाए थे, तो हम लोग को ना चाहते हुए भी यहाँ पर रुकना पड़ा। तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। अभी हम लोग सो के उठे हैं और इधर ब्रश करना है, लेकिन ब्रश नहीं है अपने छत्तीसगढ़ में, इधर दातुन करते हैं, दातुन करने हैं। और हम लोग दो लोग आए हैं लक्की के साथ दातुन करने, दिखा रहा हूँ मैं लक्की इधर, ये देखो गाइस दातुन करते हैं। तो आज हम जाएंगे सिंह ऋषि पर्वत, जहाँ हम आप लोग को दिखाएंगे छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध महानदी के उद्गम स्थल को। यहाँ से महानदी निकलता है गाइस, ये कुंड है, देखो कुंड है, ये महानदी, यहीं से उद्गम स्थल। कृपया चावल न डालें, यहाँ पर चावल नहीं डालना चाहिए गाइस। इस श्रद्धा हमारे गणेश भगवान के पूरे फैमिली लोग बसे हैं दोस्तों, ये हमारे भगवान हैं। और इधर से हम दिखाएंगे व्यू नज़ारा का, सबसे खूबसूरत पार्ट है ये, आनंद ले सकते हैं। कहाँ कह रहा बाबू मैं? गहरा पारा। गहरा पारा, तुम बताओ फिर, देवो पैसा, ठीक मैं दूँ। नीचे कह रहा है ते बाबू? गढ़िया पारा। बढ़िया, तुम नीचे रहते हो रोज? कहाँ से कहाँ रहते हो? तो हम सिहावा नगर घूमने के बाद हम निकल पड़े घर की ओर। बाय बाय सिहावा।